बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात और मैं हूं हारिस अमीन खान। कल पूरे मुल्क में यानी 14 अगस्त को जो है इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाया जाएगा और पूरी कौम, क्योंकि इस दिन को जो है हमें ये पाक वतन अल्लाह ताला ने अता किया था, लेकिन हमेशा की तरह जो है हमारा जो कमजोर दुश्मन है वो इस तरह के मौकों में जो है हड्डी बनने की कोशिश जरूर करता है। और कल इस तरह हुआ है कि उन्होंने कोई साइबर अटैक करने की कोशिश की है इंडियंस ने, और उसके जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हसास इदारे हैं उन्होंने उनके जो साइबर अटैक था उसको नाकाम बनाया है और एक मरतबा फिर दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी है। और बजाय इसके कि वो हमें इस मौके पर कोई तकलीफ पहुंचाते, उनको एक जबरदस्त और मौसर जवाब पाक फौज की तरफ से दिया गया है, जिसकी वजह से यकीनन वो अब काफी खामोश और बेतबीयत हो चुके होंगे। उसके साथ साथ मुख्तलिफ और भी खुशखबरियां ये हैं कि BRT जो कि एक काफी कंट्रोवर्शियल चीज बन चुकी थी, तनकीद का सामना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसकी वजह से, उस पर भी उसका भी इफ्तिताह आज इमरान खान साहब ने कर दिया है, वो भी एक खुशाइंद चीज है, एक बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज, कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कराची वो कराची जो तकरीबन 13 साल पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा और इस वक्त वो काफी क्राइसिस का शिकार है और पूरे मुल्क की नजरें जो हैं कराची की सूरत हाल पर हैं और हर जगह इसको उसकी सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश की बात हो रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कराची के हवाले से अपने रिमार्क्स दिए, जिसमें उन्होंने टारगेट किया और इल्जाम दिया सिंध की हुकूमत को और ये बताया कि ये काम भी अगर हमें करना है तो फिर हुकूमत आखिर किस लिए बैठी है। उसके साथ साथ उन्होंने लोकल गवर्नमेंट पर भी सवाल उठाए, तजावुजात जो किए गए हैं कई सालों में, पिछले कई सालों से तजावुजात जो आए हैं उस हवाले से भी उन्होंने बात की कि उसको कराची को जो है तजावुजात का जो है जंगल बना दिया गया है, वो कराची जो है एक गोठ की शक्ल इख्तियार कर गया है। ये एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है सिंध गवर्नमेंट के ऊपर भी और इससे पहले भी जो हुकूमतें रही हैं जिन्होंने कराची में काम किए हैं या दावे करते रहे कि हमने काम किए हैं। इन इस तमाम सूरत हाल पर हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब इकबाल मोहम्मद अली साहब, जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान MQM से है और एक सीनियर जो है ये सियासतदान है। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। इकबाल साहब, चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि कराची में सिर्फ सूबाई हुकूमत ही नहीं बल्कि लोकल गवर्नमेंट भी जो है वो गवर्नमेंट भी शामिल है कराची की को इस हद तक पहुंचाने में, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ, सबसे पहले तो मैं पाक अखबार को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने कल ये, और आप ये देखें कि मुस्तकिल ये भारत जो है कि अपनी बेशर्मी का मुजाहरा करता रहा, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी, ड्रोन हमले भी, मगर उनको उस तरीके से भरपूर जवाब दिया है। और अब वो ये चाहते हैं कि और इनको ऐसा जवाब दिया है जिस तरह से चाइना ने जिस तरीके से उनको वो किया है, और उसे बड़ा जवाब देंगे, मगर हम फिर भी इस बात पे हुए कि पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात रखे जाए, ये तमाम चीजें। और जहां तक आपने बात की इसकी, तो मैं ये समझता हूँ कि लोकल बॉडीज के जो आपने बात की के, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को मैं वो तो सलाम पेश करता हूँ कि कम अज कम उन्होंने आके के इलेक्ट्रिक के ऊपर, इन बेगैरतों के ऊपर कोई एक्शन लिया कि इनको कोई पूछने वाले थे, आज ये बैठ के बातें कर रहे हैं कि हम गुजार रहे हैं कि अभी मैं देख रहा हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कि NDMA ने आके किया, भाई 15 साल से तुम इस सिल्क के ऊपर काबिज हो, तुम किस बात के अख्तियार मांगते हो, तुम्हारे पास सारी चीजें, कराची शहर को छोड़ दो। चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि सिर्फ का कोई इलाका बताओ कि जहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, अस्पताल बने हो, स्कूल बने हो, कॉलेज बने हो, यूनिवर्सिटी बनी हो, कोई भी एक, तो ये सारी चीजें घटाई है अपनी इनकी। और आज ये सारी चीज इससे पहले हो सकती थी, और आप ये देखेंगे वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए, उन्होंने बारिश में, उन्होंने जब बारिश की पेशिंग गोई हो गई कि बारिशें बहुत ज्यादा होंगी, हम नाले साफ कर रहे हैं, 1 अरब रुपए हमने वो कर दिया, तो वो 4-5 जगहों पर नाले साफ करते थे जब तक कि बारिश शुरू हो गई, आपको 10 दिन मिले। अच्छा, इकबाल सर देखें, शहर को साफ और रूची जगह इस तरीके से अपने आप को, आप जो बात कर रहे हैं ना जी कि बलियाती, बिल्कुल इसमें
जो जो इंक्रोचमेंट है बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट है और नालों में भी बात जगहों पे, और उसके जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इसको ढूंढना चाहिए, और मैं समझता हूँ एक वन पर ऑल एक दफा हो जाए ये सारी चीजें, ताकि इस शहर को सही मानों में उसके जो कराची शहर जो रोशनियों का शहर कहलाता था उस तरीके से हो, मगर ये करना चाहे अगर न दावे से जगह से हुकूमत करना चाहे एक महीने के अंदर इसका नक्शा बदल सकता, मगर करने वाली बात हो, पैसा सारी चीजें आपके पास है, वजीर बल्दियात आपको मास्टर जिनका मास्टर प्लान आप बताए मास्टर प्लान कौन है, ये सब इनकी सारी चीजें इनके पास है वजीर बल्दियात। अच्छा इकबाल अली खान साहब देखें के उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने तो ये जो लोकल गवर्नमेंट को भी टारगेट किया है कि उन वो भी उनकी भी जो है इन्वॉल्वमेंट है इसमें, जाहिर उनकी ना यही कह रहा हूँ ना बिल्कुल बिल्कुल, अगर मेयर के इख्तियार नहीं होंगे मेयर को जब सारी चीजें आपकी लोकल बॉडीज के जो मिनिस्टर है आप नासिर हुसैन शाह साहब वो इससे पहले सईद गरी साहब थे उनसे भी कहते रहेंगे भाई आप करो काम कर आप कर दो काम आप अपनी तख्तियां लगा दो हम खड़े हो जाएंगे आपको वेलकम करेंगे वहां पे खड़ोगे कम अज कम इस शहर के लिए। तो सर ये गिला जो है लोकल गवर्नमेंट को हमेशा ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये रहा है और इससे हम एग्री भी जाहिर करते हैं, वो वसाइल जो है वो जो बताते हैं कि यार जो हमें दरकार है वो हमें नहीं प्रोवाइड किए जाते सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, तो आखिर फिर ये क्यों होता है कि एक मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा ये मतलब एक आप इख्तियारात आपके पास नहीं है तो आप एक डमी मेयर के तौर पर बैठ जाते हैं आपके, तो वो मेरा ख्याल है उससे बेहतर है कि आप घर बैठ जाए। इकबाल साहब अच्छा इकबाल साहब मुझे नहीं सुन पा रहे, दोबारा रब्ता करने की कोशिश करें कि इकबाल साहब हमें दोबारा ज्वाइन करें। कराची की जो सूरत हाल इस वक्त मौजूद है, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो काफी गंभीर है और काफी जो है कंफ्यूजन इसमें क्रिएट हुई है। कराची शहर को अगर हम इसकी डिटेल्स देखें, हमेशा ये सियासत की नजर हुआ है, 70s 80s में जो कराची का हाल था अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे तो कदरे बेहतर इस वक्त कराची शहर है, क्योंकि उस वक्त तो कत्लो गारत की तरफ हम गए थे और कराची में रहना जो है, लेकिन उसमें जाहिर है जो लोग इन्वॉल्व थे जो मिलिटेंट विंग्स थे उनका काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस ने सफाया किया है और अब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, ये चीजें हमें नजर आ रही हैं, लेकिन एक इंतहाई जो है परेशान कुल बात यह भी है कि कराची में जो आबादी है वो इंतहाई तेजी से गई है। इकबाल साहब आप लाइन पर हैं? जी मैं लाइन पर। अच्छा इकबाल साहब मैं ये बात कर रहा था कि चीफ जस्टिस साहब ने इस चीज को पॉइंट आउट किया कि लोकल गवर्नमेंट में आपने भी इसी तरह कहा कि हमें जो है इख्तियारात नहीं दिए जाते, हमें वसाइल नहीं दिए जाते, तो हम काम कैसे करें, तो फिर मैं समझता हूं कि इससे बेहतर ये नहीं है कि आप ये डिसाइड करें कि यार हम अपना मेयर बिठाते ही नहीं है, घर में बैठना इससे ज्यादा अच्छा है। नहीं देखे बात ये असल में वो ये चाहती से गवर्नमेंट चाहती है मसला ये नहीं, और ये चीफ जस्टिस साहब के हम शुक्र गुजार हैं उन्होंने ये लोकल बॉडी इलेक्शन करवाई नहीं कर रहा जी, तो सारी चीजें अपने पास रख के लोकल मेयर भी ये सारी चीजें अब आभार देखेंगे जनवर उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटर उसके बाद आप देखिएगा जो लूट मार मची हो गई है उसके बाद तो बिल्कुल माधर भी आभार हो जाएंगे, जो बचा कुचा भी होगा जो इस वक्त रखा होगा आप इससे ये पूछे कि कराची शहर के अंदर कहीं पे भी कोई है कराची शहर का मास्टर प्लान आप बताएं क्या है, यहाँ मर्जियां लोगों की, और बिल्कुल बात वही है कि जिस तरीके से इंक्रोचमेंट और इस तरीके से हुई इनको वो होना चाहिए कि ताकि जब जिसका मर्जी आता है वो अपने घूम कर लेता है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें सामने आई और चीफ जस्टिस साहब ने बड़े ऑब्जर्व किया थी इसको, और मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि जो उन्होंने के इलेक्ट्रिक को लगाम दिए ना ये मदर और ये आप ये देखें अरबों खरबों रुपये यहाँ से लेके चलवा चाहिए और इनका ऑडिट होना चाहिए, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑडिटर के ऑडिट रिपोर्ट आए तो फिर सामने तमाम चीजें आ जाएंगी कि पिछले ये किसके साथ रहे हैं और क्या नहीं है, तमाम चीजें आपके सामने आ जाएगी। ठीक है अच्छा के इलेक्ट्रिक की भी आपने बात की, उनके जो चेयरपर्सन है उन्होंने कबल अज वक्त गिरफ्तारी कबल अज वक्त जो है जमानत भी करा ली उनको, जस्टिस साहब ने ये बात कही है ना कि ये 50,000 रुपए की जमानत हुई जी, और उन्होंने सही है कि अगर बड़े आदमी की तो अगर किसी जगह कोई बेचारा गरीब
एक साइकिल चोरी के उसमें होता तो उसकी तो जमानत 6 महीने बाद होती। तो ये मियार जो है ना, ये दोहरा मियार नहीं होना चाहिए। ये ऊपर वालों के लिए कुछ नहीं, गरीब के लिए कुछ। इनको अभी उसी तरीके से जमानत नहीं, इनको अरेस्ट किया जाए। अच्छा इकबाल साहब, आप एक सीनियर, ठीक है, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, सारी उम्र कराची में जो भी हालात आए हैं आपने खुद फेस किए हैं, मुश्किलात भी देखी हैं, कराची का जो एक रोशन दौर था वो भी आपने देखा है। आप क्या समझते हैं कि बुनियादी वजह क्या है, बुनियादी जिम्मेदार कौन है कि कराची इस हद तक आ गया है? देखिए, बुनियादी वजह कराची दुश्मनी है। बुनियादी वजह इनको जो है, ये तमाम चीजें आज तक ये इलेक्शन लड़ते चले आ रहे हैं किसी तरह से भी। अब और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है सिंध के अंदरून, सिंध की आवाम भी इतनी बाशोर हो चुकी है कि वहां पे कोई डेवलपमेंट दिखा दे। सत्तर मीरपुर खास खैरपुर हो गया, लड़काना लड़काना दिखा दे यार। पिछले साल भी इसी तरह सैलाब आया था वहां पे। अभी आपने पहले से कोई बंद बांधा इसके लिए, पहले से कोई स्ट्रेटेजी की नहीं? उन्होंने कहा चलो फिर होगा, फिर हम हमारे को इमदाद मिल जाएगी, वो फिर करके इसको अपना काबी के बराबर हो जाएगा। तो जब तक ये करप्ट लोग नहीं जाएंगे यहाँ से, इससे और जिस तरीके से इमरान खान साहब ने वो किया, मैं ये कहता हूँ कि इसके ऊपर अमल किया जाए। सिर्फ गिरफ्तारियां और रेफरेंस दाखिल करने से काम नहीं चले, फौरन इनके फैसले हो ताकि अवाम के सामने सारी चीजें आ जाए। सर, जब एनडीएमए को ये टास्क दिया गया कि कराची के नाले वो साफ करें, क्योंकि फौज जो है हमारी वो हमारी सरहदों पर भी मामूर है, उन पर फिर हमारे ही लोग उंगलियां भी उठाते हैं, और वही फौज जब हमसे या बाकी जो मतलब शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता है कि इनसे नाले नहीं साफ होते, तब भी फौज आके सफाई करके देती है, तो उस पर शर्मिंदा होने के बजाय सिंध हुकूमत का ये बयान आया कि यार ये तो इनकी फेडरल की टेरिटरीज हैं 70% कराची में, इस हवाले से क्या कहते हैं? तो उनका मतलब ये था कि ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, जिम्मेदारी तो सिंध गवर्नमेंट की है, मगर बिल्कुल जब ये सूरत हाल देखी तो एनडीएमए ने उनको भेजा गया, और मैं समझता हूँ ये अच्छा काम हुआ है कि ताकि अब ये कहते हैं कि अब जाहिर बात है जहाँ डिजास्टर आता है, जहाँ कुछ भी होता है, हमारी पाक फौज सबसे आगे फ्रंट लाइन पे होती है, और यहाँ पे ये हालात देखे वो जाहिर बात है कि इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ा और ये भेजना पड़ा। मैं समझता हूँ कि इसको वो किया जाए, जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अब आप और सारी चीजें उनको करें, सब साफ करके दें, और मैं समझता हूँ जब ये सारी सारी चीजें हो सकती है और ये एक अच्छा इकदाम था, इसको करना जरूरी था। अच्छा सर, ये कराची जब 1947 की हम बात करें तो उस वक्त कराची की आबादी तकरीबन 4 लाख थी और इस वक्त 2-2.5 करोड़ तकरीबन टच कर रही है, तो बहुत बड़ी फिगर है। तो आप ये नहीं समझते कि शुरू में इस तरह की सही हो जाते ना? तो मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ कि कराची शहर की सीटें पीपुल्स पार्टी की मेजोरिटी नहीं होती, 3.5 करोड़ की आबादी है ये, और इसके अंदर जिस तरीके से सेंसिस हुए 20 सीटें, आप खुद डांगा खाप करो, 2.5 करोड़ के अंदर 20 सीटें आपने बना दी, और जिस तरीके से और दूसरे शहरों में आप जाके नहीं, मतलब बाकी शहरों से लोगों को ले आकर आबाद किया गया, बाकी शहरों से लोगों को यहाँ पर कराची में आबाद किया गया, ये वजह बनी कि कराची इस हद तक फैल गया और तजावुजात भी बने। चीफ मेट्रोपॉलिटन शहर है, तमाम पाकिस्तान को पालता है और तमाम सूबों के लोग आके यहाँ पे उनको रोजगार मिलता, सबसे बड़ी बात यही है। आज यही रोजगार सारे सबको देने के, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद ये तमाम चीजें आपके सामने आई है जो आज इस तरीके से, और उस तरीके से उसके इख्तियार जो है और उसके जो उसके ऊपर जो ऐसा जो है वो करके डेवलपमेंट जो है उस तरीके से नहीं। आप ये देखें मास्टर प्लान, इनके पास कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी का लिए मादर पिगर आधार, और सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी जो डायरेक्टर था मंजूर काका, आज कहाँ है वो? अरबों को हाईलाइट बिल्डिंग दे देंगे आप जस्टिस साहब ने इकबाल साहब, अभी जो डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट, अच्छा इकबाल साहब, एक आखिरी सवाल, उसका मुख्तसर सा जवाब चाहूंगा, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या एग्री करेगी कि कराची को फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए, फेडरल उसको कंट्रोल में ले?
देखिए भाई बात ये है कि इससे जब इनसे नहीं हो रहा है भाई, तो फेडरल जो जब अगर आपसे काम कहा जा रहा है चीफ जस्टिस साहब हर सालों साल से ये बातें कह रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई हल तो निकलना चाहिए ना। इस तरीके से थोड़ी है कि ये आपके लिए हमारे फेडरल जाएगा हमारे नहीं, तो इस पर जो लोगों का रिएक्शन आएगा सिंध में रहने वाले लोग, वो तो इसको कभी कबूल नहीं करेंगे कि उस सूरत हाल को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वो तो मुश्किल होगा बहुत। हेलो, इस पर जो लोगों का रिएक्शन आएगा इस पर जो लोग रिएक्ट करेंगे, क्योंकि लोग भी नहीं चाहेंगे सिंध हुकूमत के या पीपल्स पार्टी से जो के जो सपोर्टर्स हैं कि इसको जो है फेडरल जो है अपने कंट्रोल में ले, तो उनका रिएक्शन जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कोई कैसे फेस करेंगे? रिएक्शन आएगा उसको समझाने वाली बात होगी। अगर आप कोई भी इसके ऊपर वो करेंगे तो इसके लिए थोड़ी क्या आपने इसमें कंट्रोल ले लिया, आप इसमें कंट्रोल लेने के बाद इतने अर्से का टाइम देंगे इसको सारी चीजों को सही करने के बाद, उसके बाद कहें अब बैठो और इसके बाद शिकायत आए तो फिर आप जिम्मेदारी लो अपनी इसके ऊपर सारी, आप जिम्मेदारी ले लो, कल नहीं आएगी ठीक है। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बड़ा अपना कीमती वक्त दिया। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब एक सीनियर जो है सियासतदान है कराची की, शुरू से उन्होंने अच्छे हालात भी कराची के देखे और बुरे भी देखे, उनका अपना एक तजिया था जो उन्होंने दिया और वो उनके मुताबिक भी पीपल्स पार्टी जो है वो इस सब की जिम्मेदार है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। Pakistan and the rest of the world, Ray Shams bringing you fantabulous and most dynamic program round the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप इन्वेस्टिगेटिव और सही जर्नलिज्म करें और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम के शुरू में हमने मुख्तलिफ चीजें डिस्कस की और उसमें एक जो बड़ी और अहम खबर थी वो ये थी कि पेशावर BRT का आज बाकायदा इफ्तिताह हो गया है और वो इफ्तिताह खान साहब, जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब ने अपने हाथों से किया। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि एक मुतनाज़ा प्रोजेक्ट भी समझा जाता था, इस पर मुख्तलिफ जो है हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ जो है अपोजिशन के लीडरान है वो भी इन पर तनकीद कर रहे थे कि एक प्रोजेक्ट है, 6 माह का था, 2-2.5 साल निकल गए, आप लोगों ने अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया, 27 से 30 अरब का प्रोजेक्ट था, आप लोग 128 अरब तक ले गए। और उसके अलावा जो है नैब इंक्वायरी भी इस पर जो है स्टार्ट की गई, उसके बाद जो है तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने इसके खिलाफ उस अपील भी की, स्टे ऑर्डर भी लिया और आज फाइनली जो है
इस बीआरटी का इफ्तिताह हो गया है और कई हज़ार जो कार्ड्स हैं वो आवाम में फ्री तकसीम भी किए गए हैं। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि जो पेशावर के लोग हैं जिन्होंने इस की वजह से काफ़ी मसाइल और परेशानियां झेली हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से, वो इससे जो है काफ़ी फ़ायदा भी उठा सकें। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया जनाब ख्याल जमान साहब ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्याल जमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, पहले तो आपको मुबारक हो, बीआरटी का इफ्तिताह फाइनली हो गया है। या पूरे पाकिस्तान बल्कि स्पेशली पूरे क्रिकेट के लोगों को मुबारक हो यार। अच्छा ख्याल जमान साहब, ये जो सब्र का फल जो पेशावर की आवाम को पर्टिकुलरली और इन जनरल खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को मिला है, ये फल कितना मीठा साबित होगा इन लोगों के लिए? एक्चुअली देखिए, इल्जाम लगाने वाले अपने रिवाज में देखे 40 साल दारा हुकूमत जो रहा ना, खासकर अब जियाउल हक के मार्शाला के बाद जी, फिर इंक्लूडिंग जो है ना मुशर्रफ का जो मार्शाला था, लेकिन इनकी जो हुकूमत है 40 साल में एक इसी जीटी रोड के ऊपर छोटा सा जो ब्रिज इन्होंने शुरू किया था, 5 साल में वो ब्रिज कम्प्लीट नहीं कर सके। असेंबली के सामने टूटा हुआ ब्रिज आप लोगों ने देखा था, वो कम्प्लीट नहीं कर सके थे। या रिंग रोड का हाल देखा था मैंने, खुद देखा था वहां जो है ना राउंड अबाउट के अंदर जो खड़े थे, वहां जो है ना जब बारिश होती थी तो गाड़ियों के इंजन पैसेंजर सीमा समेत नीचे होते थे। ठीक है यार, शुक्र करें जो है, ठीक है मैं मानता हूँ कि टाइम वाइज शायद थोड़ा सा ही नहीं था, जिस कंसल्टेंसी या जिस डिपार्टमेंट ने फिजिबिलिटी की थी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कम से कम ये इतना टाइम रिक्वायर था जिसमें होगा, यानी हाल ही 2 साल, सवा 2 साल हो गए बस जी, बल्कि मेरे ख्याल में 2.5 साल मैक्सिमम नहीं होंगे उसके। और जहां तक प्राइस का बात है तो प्राइस की जो है ना बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि काफी बढ़ गई, लेकिन जैसे प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जैसे हमारे हुकूमत आई जो डिवेल्यूशन हुआ रुपए का, तकरीबन 60% जो है ना रुपए की कीमत गिर गई। ठीक है, और फिर इसी के साथ जो नए एक्सचेंज व्हाट सो एवर जो है ना, हम क्या खुशकिस्मत होते थे कि ऐसे प्रोजेक्ट पिछली हुकूमत करते थे और हम कुछ नए प्रोजेक्ट कर जाते थे। देखो हमारी पिछली हुकूमत ने एक तोहफा दिया स्वात को, पूरा मलकंद डिवीजन को, मोटरवे स्वात, वो जहाँ 3-3.5 घंटे लगते थे ना थ्रू मर्दान और पता नहीं तख्त भाई, अब वो चकदरा तक खोल चुका है, सिर्फ 40 मिनट का रास्ता है। अब इसी हुकूमत ने चकदरा से आगे जो है ना बहरेन से थोड़ा आगे तक प्लान किया है, जमीन की खरीदारी हो चुकी है, फिजिबिलिटी बन चुकी है, अनकरीब टेंडर होंगे और काम शुरू होगा। अच्छा खान साहब, जो इसी पेशावर मेट्रो का जो है एक हिस्सा है, कमर्शियल प्लाजे हैं और दीगर कुछ बिल्डिंग्स हैं जो कि अभी ना मुकम्मल हैं, तो उनके हवाले से क्या इत्तलात हैं, वो कब मुकम्मल होंगी, क्योंकि वो सुनने में आया कि कोरोना के बायस रुकी हुई है? जी, कोरोना के बाद काफी काम रुका हुआ था, खासकर मार्च से जो है ना जून तक कोई काम नहीं हो चुका था, बल्कि जुलाई तक जी। और ये वही प्रोजेक्ट है, मैं तो कहता हूँ कि हमें इसी पीटीआई हुकूमत को दाद देने चाहिए कि प्राइवेट इन्वेस्टर आया है, उसने पैसे लगाए हैं, ब्यूटी के तहत जो है ना वो पैसे रिकवर करेगा, ये न लोन है न हुकूमत पाकिस्तान के खजाने से कोई पैसे गए हैं। और फिर सबसे बड़ा जो है वो जो रॉकेट चलते थे, क्या हाल होता था, आप खुद पेशावर के बशेद्री होंगे, क्या हाल होता था, वो ऐसे रॉकेट बसें चलते जहाँ आम आदमी तस्वर थे या फैमिली वगैरह तस्वर भी नहीं कर सकते उसमें सफर करें। बिल्कुल, अब बिल्कुल जो है ना एक मॉडर्न बस है जिसमें एयर कंडीशन होंगी, जिसमें वाईफाई होंगी, जिसमें इवन मोबाइल चार्जेस होंगे यार, इवन साइकिल सर्विसेज शुरू किए हैं यार। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त इकदाम है, बहुत जबरदस्त इकदाम है, बहुत बेहतरीन है और हम उस पर दाद भी देते हैं। और अच्छा खान साहब, पूरे इल्जाम लगाने वाले अपने 40 साल दौरे हुकूमत को देखे कि इन्होंने केपीके को सिवाय दहशतगर्दी के, सिवाय लूट मार के, सिवाय चोरी और डकैती और दिया कि इन्होंने यार ये प्रोजेक्ट वो भी कर सकते थे। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि पेशावर बीआरटी प्रोजेक्ट में और लाहौर इस्लामाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट्स में उनमें क्या डिफरेंसेस हैं? क्योंकि टेक्निकली मेरे ख्याल में उनकी जो सहूलियात है, जैसे मेरे ख्याल में इतने ज्यादा फर्क तो नहीं है, बल्कि इसमें लिसेंस जैसे कहा कि हमने साइकिल शुरू किया था, शायद उसमें साइकिल सर्विस नहीं था, और उसके अलावा वाईफाई वगैरह, उसके अलावा बाथरूमों का सिस्टम, वो भी हम उसकी हिमायत करते हैं कि कम से कम उन्होंने एक बेहतरीन सर्विस शुरू की है, चाहे इस्लामाबाद का हो या लाहौर का हो, लेकिन कम से कम जो पेशावर का है इसमें तकरीबन डेली कुछ 3 लाख मुसाफर जो है ना वो ये उसमें सफर कर सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा मेन रूट जो है तकरीबन कोई मेरे ख्याल में कोई 29-30 किलोमीटर, जिसमें जितने बड़े हॉस्पिटल है वो कनेक्टेड है, जितने आपके मेन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस जितने हैं यूनिवर्सिटी रूट, मतलब इससे पेशेंट्स भी फायदा लेंगे, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी फायदा लेंगे, आम आदमी फायदा लेगा,
आम आदमी स्टूडेंट खासकर फीमेल जो है ना, क्योंकि हमारा 50% हिस्सा तो आबादी को है ना वो फीमेल का है, कितने जो है ना हमारे बच्चे पढ़ते यूनिवर्सिटी में कॉलेज में, फिर कितने रोजगार पे चले जाते हैं हॉस्पिटल। अच्छा खान साहब, साइकिलिंग साइकिलिंग को भी बड़ा फरोग देने के लिए वहाँ पर साइकिल्स की पार्किंग और साइकिल्स की अवेलेबिलिटी ये भी इसमें शामिल किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। जी, आप चले जाएं सिर्फ यार, पूरे पाकिस्तान में ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें साइकिल को शामिल किया है और वो भी 10 रुपए से। और फिर लॉन्ग रूट पे आप देखें, हमने सिर्फ 50 रुपए में से शुरू से आखिर तक जो है ना आप सफर करेंगे, आम हालातों में ये सफर कम से कम 500 रुपए से कम नहीं किया जा सकता, और वो भी इस गर्मी में या सर्दी में जिस तरह। और फिर सबसे बड़ा फायदा जो है पेशावर की पोल्यूशन को, कि वो जो डीजल के बस चलते थे गर्द आलूद होती थी, वो सब चीजें खत्म हो जाएगी, बहुत फायदा होगा, पोल्यूशन जो है ना कंट्रोल हो जाएगा। तो हाँ साहब, जो बाकी जो बसेस चलती हैं, गाड़ियां चलती हैं जो कि बहुत पुरानी हैं, धुआं छोड़ती है, क्या इन पर पाबंदी आयद की जाएगी? हाँ, उनसे तो पहले एग्रीमेंट हो चुके हैं, वो जितनी भी वो राकर किस्म की बसें थे जो डायरेक्ट कर देते हैं ना कारखानों वगैरह, तो हुकूमत ने उससे एग्रीमेंट किया, हुकूमत उनको जो है परचेज करेगी, उनको हुकूमत पेमेंट करेगी। राइट, ठीक हो गया। अच्छा फैजमान खान साहब, इस पूरे प्रोजेक्ट में ना जाहिर हुकूमत का ओपोजिशन के साथ हमेशा ही जो है ना 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन एक बात कि हुकूमत जो है इस मामले में जब इनके खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई बीआरटी के खिलाफ, तो हुकूमत जो है उन्होंने जाके बीआरटी के लिए स्टे ले लिया कि इसकी इंक्वायरी रोक दी जाए, सर इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं देखो, इंक्वायरी जो है ना, मेरा ख्याल में ऐसा तो हम कोई भी हुकूमत अब कोर्ट को ओवरसे तो नहीं कर सकते हो ना, कोर्ट के तो अपने फैसले होते हैं। सर स्टे तो लिया है ना, लिए हैं उन्होंने काम के लिए कि हमें काम करने दो। आप वो हुकूमत जो है ना, अपना कोर्ट भी वहां पे है, नैब भी वहां पे है, वो तो कोई रुपए नहीं सकते अपने कामों से। अगर स्टे है अपोजिशन से एक्सिक्यूट करे, बेशक हम तो उसके लिए तैयार है, अगर किसी ने कोई करप्शन किया उसका हिसाब किताब किया जाए। मतलब अभी इमरान खान अपने आप को पेश करता है, हम अपने आप को पेश करते हैं, तो जिसने करप्शन की हुए उसके लिए दरवाजे खुले हैं, जाके जो है ना कोई अपोजिशन दरवाजा कर देता है, उसमें कुछ निकाल सकते हैं, वो तो हम भी साथ देंगे। खान साहब, अब हाल ही में जो है उस्मान बुज़दार साहब नैब के सामने पेश हुए हैं, बगैर प्रोटोकॉल के पेश हुए हैं, ये एक बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर और पॉजिटिव साइन है आप लोगों की तरफ से। तो हम यही एक्सपेक्ट आपसे करते हैं कि पेशावर बीआईटी के केस में भी आप तमाम तफसीलात जो है वो अदालत के सामने और आवाम के सामने रखेंगे, ताकि उनको पता लगे कि हमारे जो टैक्स का पैसा था वो कहाँ कहाँ लगा है, यूटिलाइज हुआ है। हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन मैं एक बार थोड़ा क्लियर करूँ, वो तो ठीक है कोर्ट का मामला है, बिल्कुल सब होगा, लेकिन मैं जितने पोजीशन है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा अपने गिरेबान में देखे, ये प्रोजेक्ट पीटीआई का नहीं है, ये आवाम के लिए बनाया गया। ऑफकोर्स ये पब्लिक के लिए बनाया है। अफसोस कि वो कुछ प्रोजेक्ट बना लेते, उन्होंने 40 साल में मुझे एक मेगा प्रोजेक्ट बताओ कि भाई उन्होंने पटवारे को तब्दील करना और पटवारे को जो है ना ट्रांसफर करना या हैंडपंप लगाना और गली कुची बनाना, वो प्रोजेक्ट नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, हम इतनी मुश्किलात के बावजूद भी जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले जो है ना ये 3 साल बाकी है, पूरे पाकिस्तान में नहीं कि खाली के पीके में जी, अब रोडों का जिस तरह नेटवर्क जो है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर इंक्लूडिंग के पीके, देखो आपका पेशावर जो है ना तो हम डबल रूट बन के जा रहा है, आपका कोहार टू टाइखान 9 बिलियन का प्रोजेक्ट है ना ड्यूअल कैरिज वे, इन्होंने सोचा भी नहीं था। कसम से मैं 5 साल पहले गया था बनू में, यानी वो जो रोड का हालत है, और आपका जो है ना वो कराची का मेन रोड है जिसका हाईवे जैसे कहते हैं, उस पर मैंने सफर किया, वो बहुत खस्ता हाली का शिकार है। तो वो कोई इंसानों कोई इंसान भी इस तरह सोच सकते हैं कि ऐसे कोई ममालिक होते हैं, ये आखिर क्यों नहीं करते थे जो इल्जाम लगाते थे? मैं कौन सा इनका रोना रू, आप रोते और इनको ये है कि रोने दो बस। लेकिन अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार ये मुल्की प्रोजेक्ट है, हुकूमत के साथ बैठे, हुकूमत का साथ दे दें। ठीक है, खैर जमान साहब, जो मोटरवेज नवाज शरीफ साहब ने ही पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई थी, उनके बारे में जो आपका मौकफ, जाती मौकफ है, वो क्या है कि उन्होंने अच्छा इकदाम किया था जो हुआ? उन्होंने बेहतरीन इकदार लिया था, हमने तो अप्रिशिएट किया, हमने तो कोई ऐसे गवर्नमेंट हमने कोई इल्जाम तो नहीं लगाए ना, मैंने जाती पे लगा सकता हूँ, ये तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ा चेता का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा मुल्क के अंदर, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। अब अलहमदुल्ल देखो जहाँ देखो जो जिस तरह है, उसके अलावा जो एक नया हमने ट्रेन लाया है पीपीपी प्रोजेक्ट, वो शायद अंदाजा नहीं, अब हैदराबाद और कराची के बीच में जो मोटरवे बनना है वो टोटल पीपीपी प्रोजेक्ट है, यानी वो प्राइवेट इन्वेस्टर आ रहा है, वो पैसे स्पेंड कर रहा है और उन्हीं
उन्हीं जो कमर्शियल एरियाज है, एयरटेल प्लाजा है, उन्हीं से जो है ना वो पैसे कवर कर रहे हैं। इस तरह शायद मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कोई 9-10 बड़े मोटरवेज जो है ना वो पीपीपी प्रोजेक्ट ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। अच्छा। इसकी फिजिबिलिटी बन रही है, कुछ पे काम शुरू हो चुके हैं। इवन मेरे ख्याल बलोचिस्तान में कोई 250-300 मेरे ख्याल में कोटा तो गुलजार पहुंचे सही नहीं है, लेकिन कोई 9-10 प्रोजेक्ट पीपीपी प्रोजेक्ट जिसमें हुकूमत का 1 रुपये न खजाने से लग रहा है और न कोई लोन है, इससे बड़ी कामयाबी क्या हो गया। चलिए जी, बहुत अच्छा ख्याल जवान साहब, आपने हमें, आप हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ख्याल जवान खान साहब ने जो है तारीफ की नवाज शरीफ साहब की, और ये भी बताया कि उन्हें जो मोटरवे बनाई है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, और इस तरह के इकदाम को हमने हमेशा सपोर्ट किया है। और उन्होंने जो अपोजिशन है उससे रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ आए, हमारे साथ मिलकर काम करें, क्योंकि ये जो हम काम कर रहे हैं ये कोई हुकूमत जो है अपने लिए नहीं कर रही, अपनी जात के लिए ये काम जो हो रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो आवाम के लिए हो रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए हो रहे हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए हो रहे हैं। और उन्होंने बताया कि 9-10 मेगा प्रोजेक्ट्स जिसमें जो है मोटरवेज शामिल है वो भी साइन हो चुके हैं, और जिसमें पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और वो आवाम के लिए भी वो भी एक गिफ्ट होगा। 14 अगस्त के हवाले से ये मैं समझता हूँ कि खान साहब की तरफ से पेशावर की आवाम के लिए जो है एक गिफ्ट जो है BRT की शक्ल में दिया गया, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका मैक्सिमम फायदा जो है वो आवाम तक पहुंचे और आइंदा भी अच्छे और आवाम दोस्त प्रोजेक्ट्स लाए जाएं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।